बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व अज़ीमिना व हबीबे कुलूबिना व शफीए नफूसिना अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अली इब्ने अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह। अम्मा बाद कुल्लाहि फ़ी किताबिहिल करीम वल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल असअलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आका की ज़िंदगी के जो सीरत पाक है, जो उनकी मुबारक ज़िंदगी है, उसवाए कामिला है, उसके जो पहले 40 साल उनके गुज़रे जब तक रिसालत का आगाज़ नहीं हुआ, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज सिलसिले को हम आगे जोड़ते हैं, मगर जो बेसिक चीज़ जिसकी जो कि इस्लाम दीन हक़ का जो पैगाम है, उसकी जो बुनियाद रखी गई और जो बेसिक उसका जो जिसे कहते हैं कि बेस बताई गई, उसकी बुनियाद बताई गई कि इसकी मकसदियत क्या है, क्यों इस पैगाम हक़ को अल्लाह ताला ने जब पहुँचाया तो पहला जो मुतालबा था या पहला जो कंसर्न था आका का, वो ये था कि हमें रिफ़्लेक्ट करना है, हमें तदब्बुर करना है, हमें सोचना है। इबादात, नमाज़ें, रोज़ा, हज, ज़कात, ये बहुत बाद में तमाम चीज़ें आई, मगर जो एक बेस थी आका के पैगाम की, दीन हक़ की, वो ये थी कि इंसान अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल करे, जाने कि उसके होने का मकसद क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, वो कौन है, कहाँ से आया है और किस की तरफ उसको लौट कर जाना है। ये बेसिक जो चीज़ थी ये बताई गई। और जनाब मिक़दाद जो एक बावफ़ा सहाबियों में से एक सहाबी हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने ये बताया कि इस्लाम के जो शुरू का दौर था, हम क्या करते थे, हम रिफ़्लेक्ट किया करते थे, हम बैठ के तदब्बुर किया करते थे। जैसे कल भी मैंने ज़िक्र किया कि बारहा एक जब आयत उतरती थी अल्लाह की बारगाह से, तो उसको कई दिनों बैठ के उसके ऊपर तदब्बुर किया जाता था, उसके मुख्तलिफ़ तावीलें, उसके मुख्तलिफ़ मानी, उसके मुख्तलिफ़ अंदाज से उसको सोचा जाता था। और आप फरमाते हैं कि हदीस पाक है, यानी रिवायत है जनाब मिक़दाद की, 3-4 मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, जिस में एक रिवायत में वो इरशाद फरमाते हैं कि 1 घंटे का तदब्बुर 1 साल की आम रोज़ा और नमाज से बेहतर है। यानी जो आम नमाज है जो हम अदा करते हैं, उन नमाज़ों से बेहतर है कि आप चंद लम्हों का जो है वो 1 घंटे का तदब्बुर करें। फिर एक और हदीस आप इरशाद फरमाते हैं कि 1 घंटे का तदब्बुर जो है वो 7 सालों की इबादत से बेहतर है। देन ही सेज़ कि 1 घंटे का तदब्बुर 70 साल की इबादत से बेहतर है। तो आप ये सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं कि हम लंबी लंबी इबादात करते रहें, लंबे लंबे नवाफिल अदा करते रहें, लंबी लंबी जिसे कहते हैं तस्बीहात करें, बेशक करनी चाहिए, मगर ये तस्बीहात, ये इबादात अगर सिर्फ आपकी एक एक्सरसाइज बन गई हैं और आप अल्लाह की जो की करदा तख्लीक की हुई चीज़ें हैं उन पर तदब्बुर नहीं कर रहे, उनके ऊपर गौर व फिक्र नहीं कर रहे, तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ एक्सरसाइज तो हो सकती हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू, दे आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट यू विद द रियल डिवाइन पावर अल्टीमेट, जो कि अल्लाह सुभान व तआला की ज़ात है। सो रिफ्लेक्शन जो था वो एक बेसिक चीज़ थी, जो रीज़न था जो इस दीन इस्लाम का था वो रिफ़्लेक्शन था। हमने बार बार इसी बात के ऊपर, और किस चीज़ के ऊपर तदब्बुर करना था, तदब्बुर इस बात पे करना था कि तमाम इंसान जो हैं, तमाम लोग जो हैं, वो सब के सब बराबर हैं। जो तमाम लोग हैं, अल्लाह की ज़ात ने एक रूह जो है उसी से इंसानों को, मतलब तमाम अरवाह की जो क्वालिटीज़ हैं वो सेम है, कोई भी अल्लाह ने बाला तर और कम तर नहीं बनाया। अल्लाह सुबहाना व तआला ने इंसानों को खल्क किया, उनको फ्री विल दी सो दैट दे कैन डिसाइड कि उनको करना क्या है। हाँ, कुछ ऐसे अनवार, कुछ ऐसे नूर बेशक उसने खल्क किए जो बुलंद बाला आला थे, जिनमें आकाए दो जहान, जिनसे अल्लाह की ज़ात को भी इश्क है, उनसे मोहब्बत है, उनकी आल औलाद, उनका खून जिसको उन्होंने कहा बिस्सत मिन्नी कि ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मैं इनसे हूँ, ये मुझसे हैं। तो ये वो हस्तियाँ हैं कि जो नूर अला नूर हैं, जो अल्लाह का ख़ास नूर लेकर अपने बतनों में अपने साथ लेकर आए और अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर जो है उनको भेजा। उसके अलावा जितने भी इंसान खल्क किए, जितने भी इंसान खल्क हुए, जितनी भी अरवाह आईं, उन तमाम अरवाह बराबर हैं। कोई अपनी नस्ल की वजह से, अपने कबीले की वजह से, अपने पैसे की वजह से, अपने किसी मकाम की वजह से कोई भी आला नहीं होता, कोई भी कमतर नहीं होता। हर इंसान बराबर है। जब अल्लाह की ज़ात ने हम सबको खल्क कर दिया, तो हम सबको खल्क करने के बाद बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक गार्डनर होता है, वो अपने अपने जो उसके बाग होते हैं या जो उसको लॉन दिए जाते हैं, वो किस तरह से उन पौधों को सजाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये उसकी फ्री विल होती है। इसी तरह से हम अपने अंदर कौन से फूल लगाते हैं, कौन से दरख्त लगाते हैं, हम किस तरह से अपने आप को सींचते हैं, ये हम ऐसे ही है हमारी ज़ात जो हम अपने लिए माली हैं। फिर जिस वक्त आप अच्छा खूबसूरत फल फूल लगा के, फिर उसके बाद आपकी कोशिश क्या होती है, जब आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा रेडिएट करते हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी मुत्तकी बन के ज़िंदगी गुजारते हैं, तो और फिर अपने इखलाक से इर्द गिर्द के लोगों को जो क्वालिटीज़ हैं आपकी, उसकी वजह से लोगों के लिए जब आसानियाँ होती हैं और आपके रिश्ते हों, इर्द गिर्द के नेबर्स हों, आपके दोस्त हों, इवन आप ट्रैवल कर रहे हों, अगर किसी बस में, किसी वैन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी आपके वजूद से अगर उसको आसानी मिल रही है, तो आप बिल्कुल वो दरख्त बन गए हैं जो हर सूरत में, वो ये नहीं देखता कि मेरे दरख्त, ये थोड़े ही सोचता है कि मेरे नीचे बैठने वाला कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ज्यू है, मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखता है। उस दरख्त का क्या काम होता है? उस दरख्त का काम होता है कि वो फूल भी दे, वो फल भी दे, वो छाँव भी दे, जैसा कि कल कहा, और ऑक्सीजन भी दे। आप नहीं कहना, कोई कभी ऐसा हुआ है कि किसी दरख्त के पास कोई गया हो और क्योंकि वो सब कुछ दे रहा है तो उसने कहा हो कि मुझे क्या देकर जा रहे हो? नहीं, जो अल्लाह ने नेचर खल्क की है, जो जिस नेचर के ऊपर हम आए हैं, वो है टू गिव, गिव एंड गिव। अमीरों की तरह ज़िंदगी को गुजारना सीखिए, और यही है पर्पस ऑफ लाइफ। जब हम तदब्बर करते हैं अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी शख्सियत के ऊपर, अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर, तो आपको मालूम होता है कि हम यहाँ पर लोगों में बांटने आए हैं, ना कि मांगने आए हैं। हमें अपनी, क्योंकि अल्लाह ने हमें फ्री विल दी है, तो हमें बेहतरीन काम करने हैं। हमने अपने वजूद को रहमत वाला वजूद बनाना है, ना कि जहमत वाला। और इस चीज़ को अगर इस तरह से भी सोचें कि हम आका के उम्मती हैं, हम आका के मानने वाले हैं, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो हमें हमारे वजूद से, तो चाहे गैर हो, चाहे अपने हो, चाहे पराए हो, हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ आसानियाँ देनी है। आका की ज़िंदगी को देखते हैं, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को देखते हैं, अली इब्ने अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी को देखते हैं, अब इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखते हैं, तो क्या नज़र आता है? यही नज़र आता है कि बस दे रहे हैं, बाँट रहे हैं, जो आ रहा है उनको मोहब्बतें दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, सखावत है, फयूज़ात हैं जो बट रहे हैं। तो आप भी अगर उनके मानने वाले हैं, तो यही मकसद है बेसिक मकसद ये है कि आप फ्री विल के साथ अपने आप को ऐसा बनाएं कि आपके वजूद से हर इंसान को फ़ायदा हो। ये इतनी रीइटरेशन और रीइंफोर्समेंट इस बात पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस ज़ात की बायोग्राफी हम सुन रहे हैं, उस ज़ात का जो बेसिक पैगाम था, एज आई सेड बिफोर, इबादत, रोज़े, हज, ज़कात, जहाद, ये बहुत बाद में आए थे। पहले मकसदियत, रिफ्लेक्शन, तदब्बर करना है, यही बात बताई गई थी। और किस पे? बाहर पे नहीं, लोगों को नहीं देखना कि वो क्या करे, अपने आप को देखना है, अपने आप के बारे में सोचना है, मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ना है। नाउ कमिंग बैक टू एट द एज ऑफ 40, आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तदब्बर करने की ये तालीम देनी शुरू की और जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करनी शुरू की और लोगों को बताना शुरू किया कि हम सब बराबर हैं। अरब्स की सोसाइटी में रेसिज्म बहुत ज़्यादा था, वो गुलामाना ज़िंदगी जो लोग गुजारते थे उनको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए जाते थे। तो जो पहला पैगाम हक आका ने पहुंचाया लोगों को और दिया, वो यही था कि हम सब बराबर हैं। इसी तरह से अगर हम थोड़ा आगे चलें, जब पैगाम हक बुलंद होना शुरू हुआ तो जनाबे बिलाल हबशी जो थे, वो आप सब जानते हैं कि जितने भी अरब के कुरैश के जो अरब थे सरदार थे, उनके वहाँ पर उसके यहाँ वो ग़ुलामी किया करते थे। जब जनाबे अम्मार यासर ने इस्लाम कबूल किया तो उनको कैद कर लिया गया। जब उनको कैद कर लिया गया तो उनको कैद करने के बाद जिसे कहते हैं ना कि कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने बहुत जुल्म करना शुरू किया, मगर जुल्म करने से पहले उन्होंने ये ज़रूर पूछा कि ए अम्मार, जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ रहे हो, जिस रसूल की तुम इतनी तारीफ़ें कर रहे हो, आखिर उसकी तालीमात हैं क्या? तो जनाब अम्मार यासिर ने जब वो तालीमात जो थी, जो तबलीग थी जो आका ने उन तक पहुंचाई, उसका तस्करा करना शुरू किया। उन्होंने कहा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सिर्फ एक खुदा और अल्लाह की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा अल्लाह बहुत ही रहम करने वाला है, वो बहुत ही रहीम है, वो रहमान है, वो आसानियाँ चाहता है हमारे लिए। पहला पैगाम ये अब कुरैश के जो सरदार हैं वो सुन रहे हैं जनाब अम्मार यासिर से कि क्या कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा उन्होंने कहा कि हम, मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरे आका, मेरे मौला ये कहते हैं कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी में कोई कमी और किसी में कोई बड़ाई नहीं है, तमाम अरवा एक जैसी पाक और पाकीज़ा हैं, हर रूह के पास फ्री विल है, हर इंसान जो है वो एक जैसा है, उखुवत, बराबरी। जब ये पैगाम सुना तो वहाँ पर मौजूद जो ग़ुलाम थे उनके कान जिसे कहते हैं ना खड़े हो गए और उन्होंने ये रजिस्टर कर लिया कि ये तो अरब जो सरदार हैं और जो ग़ुलाम है उनकी बराबरी की बात हो रही है। जब ये बात सुनी तो उसके ऊपर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने कहा कि ये कैसा इंसान है, ये कैसा मज़हब है जो दुनिया में लोगों को बराबरी देता है। अब जब ये बात कुरैश के अरब्स ने सुनी ना तो उनको बहुत गुस्सा चढ़ा, उनको यूँ लगा कि जैसे अब यहाँ पर फितना और फसाद हो जाएगा, हमारे ग़ुलाम तो हमारे सरों पे चढ़कर नाचेंगे, जो हम इनके ऊपर जुल्म करते हैं, अपना धौंस जमाते हैं एंड ऑल दैट, ये तो सारा ख़त्म हो जाएगा। ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बहरहाल दे वांटेड टू नो कि और क्या मकासद हैं और क्या एजेंडा है इस इस्लाम का। तो तीसरी बात जो जनाब अम्मार यासिर ने इरशाद फरमाई वो ये थी कि मेरे आका, मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस दुनिया में रह के हम जो कुछ करते हैं, जो आमाल हम करते हैं, उनका हिसाब एक रोज़ होगा, वो रोज़े जज़ा होगा। एक वक्त आएगा जो डे ऑफ जजमेंट होगा और उस डे ऑफ जजमेंट में अल्लाह ये नहीं देखेगा कि इंसान जो है वो किस कबीले से हैं, वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का फोकस उनके आमाल पे होगा कि ये शख्स जिसको मैंने इस दुनिया में भेजा। मैंने उससे कहा कि तू तदब्बुर कर, तू सोच तेरी ज़िंदगी का एग्जिस्टेंस क्या है। जिनको समझ आ गई, जिन्होंने इसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया, मेडिटेट किया, उसके बाद फ्री विल रखते हुए शैतान से अपने आप को बचाया और सीधे रास्ते के ऊपर चला, सिराते मुस्तकीम पर चला और उस रास्ते पर चला कि जिनके जो अल्लाह का रहमान का रास्ता है। उस डे ऑफ जजमेंट वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन जो कॉन्शियस लोग थे, जो मुत्तकी लोग थे, उनको वो तमाम नेमतें अता करेगा जिनका अल्लाह ने उनसे वादा किया है। और वो रोज़ होगा कि जिस दिन लोगों को जज़ा दी जाएगी उन अमाल के लिए जो इस दुनिया में किए, और सज़ा दी जाएगी उन ऐसी हरकतों के लिए, ऐसे गुनाहों के लिए जो उन्होंने किए। अब जब ये सारी बात हो गई तो सरदार जो थे उनको बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे वांटेड टू नो कि इनका दीन इस्लाम कहता क्या है। अब ये सारी चीज़ें जो थी ना, इट वॉज़ गोइंग अगेंस्ट देम। वाई? बिकॉज वो एक खुदा पे बिलीव नहीं करते थे और बहुत सारे उसके रीजंस थे। अगर हम हिस्ट्री में जाके पढ़ें तो उनका बिजनेस ख़राब हो रहे थे, उनके आबा व अजदाद को चैलेंज कर दिया गया था, उनको इस बात के ऊपर चैलेंज कर दिया गया था कि हर इंसान, हर शख्स जो है वो एक बराबर है। अब उनको पता था कि अब ये जो हमारे ग़ुलाम हैं ये उठ के जो है वो हमारे सामने खड़े होंगे, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब जब सरदारानी कुरैश ने सारा कुछ सुन लिया तो उसके बाद अम्मार यासिर अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्होंने जनाबे अम्मार यासिर अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्होंने जुल्म तशद्दुद करने के लिए जनाबे बिलाल हबशी से कहा कि इसके ऊपर जुल्म करो, इसके साथ इसका बुरा सलूक करो। जब बिलाल हबशी को कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसे शख्स के ऊपर बिल्कुल तशद्दुद नहीं करूँगा कि जिनका आका हमारे हकूक़ के लिए बात करता है। जिसने, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई ऐसा मज़हब हो, कोई ऐसा दीन हो जो हर इंसान को बराबर करता है। मैं इसके ऊपर जुल्म करना तो दूर की बात, मैं इसके आका के ऊपर ईमान लाना चाहता हूँ। जब ये बात सुनी सरदारों ने कुरैश के तो उनको बहुत गुस्सा आया और वही आग बबूला हो गए। इसीलिए कहते हैं ना कि जो आग बबूला हो जाना है ये शैतानी सिफ्त है। ये रहमान के अगेंस्ट जो लोग होते हैं उनमें होती है। और अगर हम उसकी जद में आ रहे हैं तो हमें सवाल करने की ज़रूरत है कि क्या हम पीसफुल नहीं हैं, क्या हम रहमान के वाले मानने वाले नहीं हैं। हमारा रब तो बहुत रहीम है, वो तो गुस्सा नहीं करता, वो तो हमें बख्शता ही बख्शता है, हम क्यों इतने गुस्से वाले हो जाते हैं। बहरहाल वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया एंड येस द रेवोल्यूशन बिगन। और बिलाल ने कहा कि बिलाल ने फरमाया कि मैंने आपसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा और मैं बिल्कुल जुल्म नहीं करूँगा। एंड मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो रिलीजन ऑफ इस्लाम है, आकाए दो जहान ने ना सिर्फ इंटेलेक्चुअली लॉजिकली इस मज़हब को स्प्रेड किया बल्कि लोगों के इमोशंस इसमें जुड़ते चले गए। आज भी अगर आप देखें तो लॉजिकल चीज़ें तो हैं इस्लाम, दीन इस्लाम की, मगर उसके साथ साथ आप ये देखिए कि किस तरह से लोगों की जो व्हाट यू कॉल दैट, जो इमोशनल अटैचमेंट है आका के साथ, किस तरह से हम जुड़े में हैं कि उनका नाम आता है हमारी आँखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। तो यही वो खासा था उस शख्सियत का, और हमारे आका का यही खासा था कि ऐसी मोहब्बत दुनिया को दी, ऐसी मोहब्बत दुनिया वालों को दी, इस कदर खूबसूरती से बोलते थे, इस कदर मोहब्बत का इजहार करते थे। कोई इधर उधर की भी बातें करता था, उसकी बात को अटेंशन से सुनते थे। ये है शख्सियत के, आका की शख्सियत के मुख्तलिफ खूबसूरत पहलू। सवाल ये है क्या हम में ये टॉलरेंस है कि हम लोगों की बात सुन सकें। अब देखिए, पहला पैगाम था तदब्बुर करना। दूसरा पैगाम क्या आया कि आपने, हम सब बराबर हैं, एवरीवन इज़ एब्सोल्युटली इक्वल, राइट। सिर्फ मुंह से किसी बात को कह देना बड़ा आसान है, मैं बैठ के यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, मगर जब आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आते हैं ना तो ज़िंदगी में प्रैक्टिकलिटीज़ में करना चीज़ों को बड़ा मुश्किल कई दफ़ा हो जाता है। अब देखिए, जब आका ने हिजरत की, 13 साल की मुश्किल ज़िंदगी मक्का में गुजारने के बाद जब आका ने हिजरत की, मदीना पाक आए, तो आप देखिए कि वहाँ पे जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद पहले मुअज्जिन जो ठहरे वो कौन थे? बिलाल हबशी, जिस ज़बान से कहा था कि हम सब एक बराबर हैं, बल्कि एक ग़ुलाम को इस कदर बुलंद कर दिया काकबे की छत पे चढ़ा के कहा कि ए बिलाल, तुम इन दुनिया वालों को सलाह की तरफ बुलाओ, इस दुनिया वालों को फलाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, इस दुनिया वालों को खैर के अमल की तरफ बुलाओ। और इस तरह से आगाज़ हुआ और प्रैक्टिकली प्रूव किया कि कोई किसी का ग़ुलाम नहीं, हम सब अपने रब के गुलाम हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि रेसिज्म वॉज डिस्ट्रॉयड इन दिस वे एंड इट वॉज प्रूवन टू द वर्ल्ड दैट वी आर ऑल एब्सोल्युटली इक्वल। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। हम डिफरेंट पॉइंट्स में बात करेंगे। पहला क्या था? आपने रिफ्लेक्ट करना है। दूसरा क्या था कि रेसिज्म को ख़त्म किया गया। आका का एक बहुत अहम तरीन पैगाम जिसको हमें जानने की ज़रूरत है वो ये है कि आका ने सिर्फ जिसे कहते हैं कि लोगों को रिस्पेक्ट नहीं की, मुख्तलिफ नस्लों के मुख्तलिफ जो कबीले के लोग थे सिर्फ उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि उनके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ रिलीजन्स को भी एक्सेप्ट किया, उनको रिस्पेक्ट दी। कि जब इस्लाम के शुरू ही में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जब तशद्दुद होना शुरू हो गया तो मुख्तलिफ लोगों के ऐसे ग्रुप्स बना के डिफरेंट इलाक़ों में भेज दिया जाता था ताकि उनकी ज़िंदगियाँ सेफ़ हो जाएं। और यहाँ पर जो जुल्म और तशद्दुद मक्का में किए जा रहे हैं, जो जबर किया जा रहा है अल्लाह उसके रसूल के नाम पर, वो ना हो। तो एक रोज़ आका ने इरशाद फरमाया हज़रत जाफ़िर इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम से, जो कि जनाब अबू तालिब के फ़र्जंद थे, जनाब जाफ़िर अलैहिस्सलाम, उनसे कहा कि तुम अबासीनिया चले जाओ, वहाँ पर एक प्रीस्ट है, यानी एक पादरी है, वहाँ पर तुम जाओ और वहाँ जाकर उससे रिक्वेस्ट करो, उसको ये कहो कि हमारे ऊपर ये जुल्म और तशद्दुद हो रहा है और हम यहाँ पर आपके इलाके में पनाह चाहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हुआ कि आपको आका ने अबसीनिया चंद लोगों के साथ भेज दिया। आप जब वहाँ पर गए तो आप जब वहाँ गए और वहाँ पर जाके उस पादरी से आपकी मुलाकात हुई तो उसने सवाल किया, जो अबासीनिया का जो प्रीस्ट था उसने ये सवाल किया कि आप लोग हैं कौन और आपका मज़हब क्या है। जैसे कि ज़ाहिर है जब एक चीज़ कोई नई आती, आज भी आप देखते हैं कि नए से नए फ़िरके आ रहे होते हैं तो लोग ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि व्हाट यू एक्चुअली बिलीव इन, सो दैट इज़ एग्जैक्टली आउट ऑफ क्यूरोसिटी। उसने कहा कि आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, आप कौन हैं, क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि हम वो हैं जो तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं, हम वो हैं जो अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर ईमान रखते हैं। हज़रत ईसा ने जिनके बारे में खुशखबरी दी और हज़रत ईसा जो कि जनाब मरियम के फ़र्जंद हैं उनके बारे में भी खबर दी। तो उन्होंने जब उस प्रीस्ट ने जनाबे बीबी मरियम अलैहिस्सलाम और जनाबे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा सुना, वो बहुत परेशान हुआ और आउट ऑफ क्यूरोसिटी उसने ये बात पूछी कि मुझे ये बताइए कि आपकी जो मुक़द्दस किताब है उसमें हमारे जीसस के बारे में और बीबी मरियम के बारे में क्या बयान किया गया है। तो जनाबे जाफ़र इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे प्रॉफिट ने हमें ये बताया है कि हमारे अंदर बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, मतलब जो अहले किताब हैं उनमें बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, और उन्होंने हमें ये खबर दी है कि हमारी किताब में ये खबर आई है कि हज़रत ईसा एक कवारी माँ के बतन से पैदा हुए जो कि एक बहुत ही परहेजगार तकवे वाली खातून थी। और बल्कि उन्होंने फिर थोड़ा सा एक्सटेंड किया इस सारी जो जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वो एक बहुत ही अजीम खातून थी, इस कदर अजीम खातून थी कि हमारे अल्लाह की किताब में, यानी जो किताब मुकद्दस होली कुरान जो हमारा है, उसके अंदर एक पूरा सूरा है जो जनाबे मरियम के नाम के ऊपर है। जब उसने ये सारी गुफ्तगू सुनी, उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही लीनियंट हो गया, बहुत पोलाइट हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैगाम क्या दिया जा रहा था, ये रसूल अल्लाह की तरफ से पैगाम था। ये जाफ़र इब्ने अबू तालिब का पैगाम नहीं था, ये वो पैगाम था जो आका ने इंस्टिल किया था जनाब जाफ़र इब्ने अबू तालिब में, कि हम फोकस अपने इख्तलाफात पर नहीं करना चाहते, बल्कि हमें फोकस अपनी कॉमनैलिटीज़ के ऊपर करना चाहिए। हमें फोकस अपनी तरजीहात जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनके ऊपर करना चाहिए, वो चीज़ें जो हम में कॉमन हैं उन पे करना चाहिए। आफ्टर ऑल दिस कॉन्वर्सेशन जो इन दोनों शख्सियात के बीच में हुई, जब ये सारी कॉन्वर्सेशन हुई तो जाफ़र इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम को सारी गुफ्तगू सुनने के बाद वहाँ पर ना सिर्फ रहने की इजाज़त दी गई, अबासीनिया में उनको स्टे करने की इजाज़त दी गई, और अफ्रीका में, बल्कि एट द सेम टाइम अफ्रीका के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का आगाज़ हुआ। और आज अगर आप देखें तो अफ्रीका के अंदर आपको मुस्लिम कम्युनिटी एक ह्यूज तादाद में नज़र आती है। आशिके मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको वहाँ नज़र आते हैं। सो इन अर्ली टाइम्स इस्लाम ने जो मैसेज दिया, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या था? तदब्बुर का। थोड़ा साथ साथ रिवाइज़ करते जाते हैं। इंसानों को किस तरह से इंसान समझना है, वी आर ऑल इक्वल, रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, नॉट ओनली रिस्पेक्ट अदर रेसेस बट ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। अपनी टॉलरेंस लेवल को बढ़ाएं, अपनी जो बर्दाश्त है उसको बढ़ाएं इर्द गिर्द के लोगों के लिए, ताकि एक खूबसूरत पुरअमन माशरा जो है वो तश्कील पा सके। फिर उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर अदर जेंडर्स। अरब्स के ज़माने के अंदर जो आका ने जहाँ पर आंखें खोली, उस ज़माने में जो वहाँ पर अरब्स थे वो बहुत ज़्यादा मेल शोविनिस्ट जिसे कहते हैं ना, वो थे। वहाँ पर हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं, कल भी तस्करा हुआ, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था। इसकी एक दो मिसालें आगे वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो पहली चीज़ थी कि वो औरतों को जो कमोडिटी, लिटरली भेड़ बकरियाँ समझा जाता था, उस कॉन्सेप्ट को दूर किया गया, उस कॉन्सेप्ट को पसे पुश डाल के औरत को इज़्ज़त दी गई। बताया गया कि औरत एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, और उसका कितना अहम तरीन रोल है बच्चों की परवरिश में और माशरा बनाने में। तो औरतों को बहुत इज़्ज़त दी गई। बल्कि यहाँ पर एक मिसाल देके मैं आगे बढ़ना चाहूँगी कि खलीफा दोम से किसी ने पूछा कि आपके जो दौरे जहालत था उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी याद हैं, या जिनमें से कुछ ऐसी चीज़ें जिनको सोच के आप शर्मिंदा होते हैं, या क्या आपके एक्सपीरियंसेस थे? तो क्या हमें सुनने को मिलता है कि कहते हैं कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक तो ये कि जिसको सोचकर मुझे बहुत हंसी आती है, और दूसरी चीज़ ऐसी है जिसे सोचकर मैं शर्मसार और उदास हो जाता हूँ। तो पूछने वालों ने पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर हंसी आती है? तो कहते हैं कि जब ज़माने जहालत में हम बुतों को पूछते थे, तो एक ऐसा बुत था जो कि खजूरों से बनाया जाता था। उस खजूरों से बने हुए बुत को हम पूजते थे, इबादत करते थे, और साथ साथ एक खजूर लेके हम खाते थे, और वो खजूर लेके हम खाते थे। और बाय द टाइम हमारी इबादत ख़त्म होती थी, वो जो जिसकी हम इबादत कर रहे होते थे वो बुत भी ख़त्म हो गया होता था। अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे सोच के बहुत हंसी आती है कि हमने दौरे जहालत में कैसे बुतों की पूजा की कि जिनको हम खा लेते थे, और दूसरी चीज़ जब उस शख्स ने पूछा, पूछने वाले ने, कि तो वो दूसरी चीज़ कौन सी है जो सुन के आप बहुत उदास हो जाते हैं, तो फरमाया उन्होंने कि जी वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता। उस ज़माने के अंदर जब हम अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, तो एक दफ़ा मुझे याद है कि जब मेरी बेटी हुई और मैं उसको दफन करने के लिए ज़मीन खोद रहा था, तो ज़मीन खोदते खोदते जब मैं उसको ज़मीन के अंदर, लहद के अंदर डालने लगा, तो उस बच्ची ने मुस्कुरा के मेरी दाढ़ी को पकड़ लिया। जब उसने मेरी दाढ़ी को पकड़ा तो मैंने बड़ी गुस्से के साथ उसके हाथ को झटका और वहाँ पर किया, और मुझे यूँ लग रहा था जैसे वो चीख रही है, चिल्ला रही है, फरियाद कर रही है कि मुझे ना दफनाएं, लेकिन मैंने उसकी किसी चीख और पुकार को ना सुना और बहुत ही बेरहमी के साथ मैंने उसको दफना दिया। जब मैं ये बात सोचता हूँ तो मुझे मेरा दिल बहुत उदास होता है और मुझे बहुत दुख होता है इस बात के ऊपर। सो कमिंग बैक टू, एक तो आप देखें ज़माना जाहिलियत में जहालत की एक इंतहा की एक अल्लाह की जान है, अल्लाह की बनाई दी हुई नेमत है, रहमत है, उसको किस तरह से उसके साथ ज़्यादती की जा रही है। और जब ये आता है, दीन इस्लाम आता है, उसका पैगाम आता है, रहमत दो आलम आते हैं, रहमतुल आलमीन आते हैं, तो किस तरह से ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये बच्चियाँ जिनको तुम दफना रहे हो, इनके पाँव तले जन्नत है, ये बच्चियाँ घरों की रहमत हैं, ये बच्चियाँ बायसे फ़ख्र होती हैं अगर हम इनको वो इज़्ज़त दें और वो रुतबा दें। सो क्या किया अब ख़वातीन के हवाले से, किस तरीके से एम्पावर किया ख़वातीन को, उसका आप तरीका ये देखिए कि अगेंस्ट जो बरी किया जाता था बच्चियों को, जो दफन किया जाता था, उसके अगेंस्ट आवाज़ बुलंद की गई, उसके ऊपर बिल्कुल से कहते हैं ना कि इट वाज अ नो नो, और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्टैंड लिया गया। दूसरा, औरतों की जो इनहेरिटेंस थी, ऐसी ख़वातीन, उस ज़माने की ख़वातीन जिनको भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, उन ख़वातीन को इनहेरिटेंस में हिस्सा दिया गया, यानी विरासत में उनका हक रखा गया। ये देखिए कि ये एक कितना बड़ा शिफ्ट हुआ उस अरब माशरे के अंदर। तीसरा, जो डावरी होती थी, डावरी का जो सारा सिलसिला था वो औरत को दी जाने लगी आफ्टर दीन इस्लाम, आफ्टर द मैसेज ऑफ इस्लाम, ख़वातीन को दी जाने लगी। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग माँ को इस कदर इज़्ज़त दी गई कि माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई। तो देखिए कि जिस जन्नत की तलाश में हम मारे मारे फिरते हैं, जिस जन्नत की तलाश में हम पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, किसी को बुरा भला पता नहीं क्या क्या हम कर रहे हैं, आप सोचिए कि उसको हासिल करना किस कदर आसान बना दिया कि बाकिरदार माओ के कदमों तले जन्नत रख दी गई। एक शख्स था, यहूदी था, उस शख्स ने दीन इस्लाम कबूल किया, आका की ज़ात पाक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और उसने कहा कि मैं दीन इस्लाम में आना चाहता हूँ। जब दीन इस्लाम में आया उसने इबादत करनी शुरू की, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे प्रैक्टिस करना शुरू किया, एक रोज़ अपने आका की बारगाह में बैठा हुआ था और पूछने लगा कि आका, अब जबकि मैं यहूदी से मुसलमान हो गया हूँ तो मुझ पर मेरी माँ की क्या मतलब हकूक़ हैं, मैं किस तरह से अपनी माँ के साथ कैसा रवैया रखूँ, मेरी माँ तो अब तक यहूदी है, तो मैं क्या करूँ, ऐसा मेरा रवैया कैसा होना चाहिए। जब आका से उस शख्स ने, उस यहूदी ने, जो कि अब मुसलमान हो चुका था, सवाल किया तो आका ने जवाब दिया कि तुम कैसे बेटे थे पहले, जैसे भी थे, अब तुम्हें दीन इस्लाम ये तालीम देता है कि तुम्हारा रवैया अपनी माँ से पहले से कई ज़्यादा बेहतर हो जाए। अगर तुम अपनी माँ का ख्याल करते थे तो अब तुम अपनी माँ का 100 गुना ज़्यादा ख्याल करो। एक रोज़ वो अपने घर में इसी तरह से अपनी माँ की खिदमत कर रहा था तो उसकी माँ ने कहा कि ए बेटे, मैं ये देख रही हूँ कि जब से तू मुसलमान हुआ है मैं ये देख रही हूँ कि तेरे अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। तूने मेरी खिदमत बहुत करनी शुरू कर दी है, तूने मेरी मुझसे मोहब्बत और ज़्यादा करना शुरू कर दी है, ऐसा क्यों कर रहे? तो वो शख्स कहने लगा कि ए मेरी माँ, मेरे आका का ये हुक्म है कि मुझे अपनी माँ के साथ बेहतरीन रवैया और बेहतरीन अखलाक अपनाना है। तो वो बड़ी हैरान हुई। उसने कहा मगर वो जानते हैं कि क्या मैं यहूदी हूँ, उसके बावजूद उनका ये कहना है कि। तो आगे से वो शख्स कहने लगा कि मेरे आका ये फरमाते हैं कि तेरी माँ के कदमों तले जन्नत है, तो मैं तो तेरी खिदमत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पे फ़र्ज़ है। जब ये बात उस माँ ने सुनी तो उसने कहा कि ये कैसा इंसान है जो मेरे यहूदी होने के बावजूद मेरे बच्चे को मेरी तरफ माइल कर रहा है, मेरी इज़्ज़त मोहब्बत करने के लिए कह रहा है, ये कौन सा मज़हब है। और उसी लम्हे उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो आज हम ये समझते हैं कि डंडे मार के हम इस्लाम कबूल करवा लेंगे, या हम ये समझते हैं कि हम किसी के साथ ज़बरदस्ती कुछ करके इस्लाम कबूल करवा लेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपना अखलाक, अपनी अक़दार, अपनी ज़बान और अपने रवैये से, और ये रवैये, ज़बान, अखलाक आता कैसे? आपकी सोचों से, जिन सोचों को मस्बत करने के लिए हम हर रोज़ सुबह 4 बजे मेडिटेशन करते हैं। ये वो खूबसूरत वोकैबलरी है, ये वो वर्ड्स हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में सुबह सुबह उठ के इस्तेमाल करके, अपनी सोचों के अंदर इंस्टिल करके हमारे अल्फाज भी अच्छे हो जाते हैं, हमारा अखलाक भी अच्छा हो जाता है, हम लोगों के लिए सोचते भी अच्छा हैं, और हम अपने आका से कनेक्ट करके, अपने अल्लाह से कनेक्ट करके हम अपनी अंदर की पॉजिटिविटी लोगों के अंदर रेडिएट करते हैं। दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया गया है ना, ये बेसिकली ये अपने अखलाक की बेस के ऊपर, ये अपनी ज़बान की बेस के ऊपर। आपको पता है जब आका के पास कोई शख्स आता था, मसलन आज हमारे घरों में हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं ना, तो हम उनको उनकी तरफ देख के भी बात नहीं करते। वो आते हैं तो हम कहते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो बोलो बोलो। आका की आप ज़िंदगी का जब मुतालिया करते हैं तो आपको ये बात पता चलती है कि आका के पास अगर कोई आता था, उनसे बात करता था, तो वो सारी की सारी तवज्जो, यानी अगर राइट साइड पे कोई आके खड़ा है तो वो सारी तवज्जो उस शख्स को दे के, उसकी तरफ आंखों में आंखें डाल के उससे बात किया करते थे। और आज हम अपने घरों में एक दूसरे के साथ इस तरह से बात नहीं करते। तो सोचिए कि इखलाक का क्या मकाम था, कि किस कदर इज़्ज़त दी जाती थी इंसानों को। आम नॉर्मल इंसानों को आम नहीं समझा जाता था, हर कोई ख़ास था। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को इसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दें कि वो ख़ास हैं, तो सोचिए कि हम भी किस तरह से अपने इखलाक की बुलंदी को ऊपर करते हुए, बुलंद करते हुए इर्तका के सफ़र पे कितना आगे बढ़ सकते हैं। आकाए दो जहान के दौर में ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया गया, बल्कि अगर हम ये कहें तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ये एक वो भी लगता है, व्हाट डू यू कॉल दैट, एक इल्ज़ाम लगता है कि आका जो थे वो बहुत सी जंगें लड़ी और जबर के साथ और तलवार की बेस के ऊपर जो है वो इस्लाम को फैलाया गया। तो यहाँ पर मैं जहाँ पे आका के अखलाक की बात कर रही हूँ कि वो तो लोगों से बात इतनी खूबसूरती से करते थे, और किस तरह से मुख्तलिफ़ रिलीजन्स को रिस्पेक्ट की। और बल्कि चंद ऐसी कुरानी आयत हैं जो मैं अभी आप लोगों के सामने पढ़ने जा रही हूँ, जिससे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कि जिसमें कहा गया कि तलवार की बेस के ऊपर इस्लाम फैलाया गया, वो बिल्कुल डिफाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली डेफिनेटली प्रोपेगेंडा है। आप याद रखिए कि जितनी भी बैटल्स हुई आफ्टर coming from मक्का to मदीना। मदीना आके जितनी भी जंगें हुई वो कोई भी ऑफेंसिव जंग नहीं थी, यानी उसका आगाज़ जो था वो आका की तरफ से या हमारे मौला की तरफ से कभी नहीं होता था, बल्कि हत्तुल वसा ये कोशिश की जाती थी कि मतलब कि ये जंग ना हो, बल्कि ये कोशिश की जाती थी कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए, यानी दिफाई जितनी भी जंगें हुई हैं वो दिफाई जंगें हुई हैं। इसी तरह से हम सब जानते हैं कि जब इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दौर आया, दौर खिलाफत आया, हमारे ईमान के मुताबिक तो आका के बाद उनका ही दौर था, मगर जब दुनियावी लिहाज से उनका दौर आया तो उस दौर में उनके ऊपर भी बहुत सारी जंगें मुसल्लत की गईं। और ये एक खासा था इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कि कभी भी जंग का आगाज़ उनकी तरफ से नहीं हुआ, हमेशा इसी बात की तलकीन की गई कि सुलह में खैर है, मगर जब आपके ऊपर मुसल्लत कर दी जाए जंग और आपके पास पीछे हल नहीं होता, एंड देन यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ, और ज़ाहिर है डिफेंड करना भी आपका अपने आप को हक है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करके उन आयात की तरफ जाना चाहूँगी जो कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हान व तआला ने इरशाद फरमाई कि जो दीन इस्लाम को बचाना था ना, यानी सेव करना था दीन इस्लाम को, अगर इन रियलिटी और आप थोड़ा डेप्थ में जाके देखें तो दीन इस्लाम को बचाने के साथ साथ आका ने बाकी के अदियान को भी बचाया, उनको भी सेव किया। और अगर आप देखें तो किस तरह से आका ने हमेशा ये पैगाम दिया कि हर इंसान को जो जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है उसको उसकी इबादत गाहों में इबादत करने का पूरा पूरा हक होना चाहिए, और इसके लिए किस तरह से उन्होंने हमेशा प्रीच किया। सूरह हज की आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है, ये मैं उसके जवाब में आपसे कह रही हूँ कि जो लोग अक्सर ये एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जंगें जो हैं ये तलवार की बेस के ऊपर जो है वो रिलीजन इस्लाम फैलाए, ये वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, उन्होंने कुछ कसूर नहीं किया। हाँ, ये कहते हैं हमारा परवरदिगार अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से ना हटाता रहता तो राहिबों के सोमे और ईसाइयों के गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने यानी सिनेगॉग्स और मुसलमानों की मस्जिदें जिनमें खुदा का बहुत सा जिक्र किया जाता है वीरान हो चुकी होती, और जो शख्स खुदा की मदद करता है खुदा उसकी मदद ज़रूर करता है, बेशक खुदा तवाना और गालिब है। तो आप ये देखिए कि अगर ये तमाम आका अपने हक के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए ना खड़े होते तो ये जो मुशरिकीन थे ये सिर्फ दीन हक, दीन रब्बानी, दीन रहमान के ऊपर सिर्फ ना करते, बल्कि बाकी जो अद्यान थे, जो हमारे अहले किताब भाई कह लें वो जो थे, उनके ऊपर भी उस तरह से जुल्म करते। रसूल अल्लाह का अपने मज़हब को बचाना, डिफेंड करना दरअसल तमाम मज़ाहिब को बचाना था का जो बाकी वही वाली बात है कि आका का एक इरशाद है, एक मरतबा आपने फरमाया कि ओ पीपल ऑफ द बुक, ओ ज्यूज़, ओ क्रिश्चन, कम वी डोंट वांट टू फाइट यू। एंड ओरिजिनल मैसेज ऑफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के ऊपर जुल्म करना ये पैगाम नहीं है इस्लाम का। इस्लाम तो है ही सलामती, इस्लाम का मकसद ही लोगों को पीस देना है, सलामती देना है, आसानियाँ पैदा करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सूरह इमरान आयत नंबर 64 में इरशाद होता है कि ए हबीब कह दीजिए अहले किताब, जो बात तुम्हारे और हमारे दोनों के दरमियान यकसा यानी तस्लीम की गई है, यानी कॉमन है, उसकी तरफ आओ, वो ये कि खुदा के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाएंगे, कोई किसी को खुदा के सिवा अपना कारसाज ना समझे। यहाँ पे अल्लाह की वहदानियत की बात हो रही है, अल्लाह की वाहदाहुला शरीक होने की बात हो रही है। सो किसी को खुदा के सिवा अपना कारसाज ना समझे। अगर ये लोग इस बात को ना माने तो इनसे कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम खुदा के फरमाबरदार हैं। सो ये है अल्लाह का पैगाम, ये है आका का पैगाम, ये है हमारे आपके मौला का पैगाम। और यही पैगाम जो है आज तक हुज्जते खुदा जनाब इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का पैगाम है। कभी भी इन हस्तियों की तरफ से ऑफेंसिव जंगें, बैटल्स नहीं हुई, हमेशा दिफाई जंगें हुई हैं। और हर इंसान का वो जब अपने घर में बैठा होता है तो उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने हक, अपने घर को बचाए, अपने आप की हिफाजत करे, अपने घर वालों की हिफाजत करे। अगर कोई आपके घर तक आ जाता है, आपके दरवाजे तक आ जाता है, तो उसके बाद आपके ऊपर ये लाजिम और मलजूम है कि फिर आप दिफाई जंगें ज़रूर करें। आका का फोकस जो था वो तालीम के ऊपर था। तो जिस वक्त आका ने हमेशा ये बात कही कि अपने झूले से लेके अपने लहद तक तालीम हासिल करो। हमें इल्म हासिल करने के हवाले से बहुत सी अहादीस मिलती हैं, जिसमें एक हदीस ये भी है कि तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें उसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और ऐसी बहुत सारी हमें अहादीस मिलती हैं। जिस वक्त जंगे बदर हुई और जंगे बदर के बाद तमाम कैदियों को, बदर के तमाम कैदियों को लेकर आया गया, तो चंद सहाबियों ने ये एक मशवरा दिया, एक सजेशन दिया कि उनके साथ जुल्म करें, उनके साथ बदला लें, इंतकाम लें और समथिंग लाइक दैट। जिसके ऊपर आका ने जवाब दिया कि नहीं, हमें इखलाक के साथ इनके साथ पेश आना है, मुझे बेहतरीन इखलाक इनके साथ रखना है। और मैं ये कोई सज़ा इनको नहीं देना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे बच्चों को तालीम दें, हमारे लोगों को तालीम दें, ताकि उसकी वजह से हमारी जो नस्लें हैं वो आगे इल्म के मैदान में आगे बढ़ सकें। एज अ हेड ऑफ द स्टेट इन मदीना, ये भी हम आपको बताते चलें कि आका ने जिस वक्त फ़तेह मक्का हो गई, उसके बाद आका के पास ऑप्शन थी कि वो मदीना छोड़ के मक्का दोबारा अपने उसी घर जाएं, बट उन्होंने चूज़ किया कि नहीं, मैं मदीना ही में स्टे करना चाहता हूँ। और ना सिर्फ ये बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनाया गया, जिसमें लोगों के लिए किस कदर आसानियाँ दी गई। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह कहा गया कि यहूदी अपनी इबादत गाहों में इबादत करेंगे, अपने सिनेगॉग्स में इबादत करेंगे। कहा गया ईसाई अपने गिरजों में इबादत करेंगे और मुसलमान अपनी मसाजिद में इबादत करेंगे। अगेन दिस इज़ अ मैसेज कि किस तरह से रिलीजन्स की रिस्पेक्ट की गई। आज अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे पास टॉलरेंस लेवल अपने मुख्तलिफ सेक्ट्स के लिए नहीं है। छोटी छोटी बातों पे उठ के हम किसी को भी काफिर कह देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। वी कैन से जस्ट एनी थिंग, बट लुक एट द टॉलरेंस लेवल दैट आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड। एक मल्टी रिलीजियस डायमेंशन सोसाइटी थी जिसको हम मदीना के नाम से पहचानते हैं। और क्या इकदार आका की ज़ात ने जो है वो दुनिया के सामने दी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने फ़तह मक्का के तरफ अगर हम आ जाएं और फ़तह मक्का की अगर हम बात करें, इस्लाम का एक बहुत ही बड़ा पैगाम जो दिया फ़तह मक्का के टाइम पर आका की ज़ात ने, वो हर किसी के लिए, जैसे कहते हैं ना, माफ़ी का ऐलान था। सब के लिए माफ़ी जो है वो अनाउंस की गई। बहुत सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों ने इस मकाम के ऊपर भी ये सजेशंस दिए। बहुत सारे असहाब ने कहा कि इनके साथ रिवेंज लिया जाए, इनसे इंतकाम लिया जाए उन तमाम मजालिम का जो आपके ऊपर और आपके खानवादे के ऊपर किए गए। तो उसके ऊपर आका ने एग्जैक्टली यही कहा कि मैं आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ और मेरा अल्लाह रहमान है, रहीम है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी लोगों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया हूँ और मेरे वजूद से लोगों के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होनी चाहिए। पीस ट्रीटी साइन की गई जी, और आका ने कहा कि पीस ट्रीटी साइन होगी, हम इखलाक और दरगुजर करके अपने अच्छे आमाल इनको इस तरह से दिखाएंगे कि हम बहुत ही अच्छे आमाल करके इंशाल्लाह इन लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत रखेंगे, डालेंगे, जो इन जिन लोगों ने हमारे पर जुल्म किए हैं। वो एक अलहदा बात है। देखें, जो अच्छाई होती है वो हमेशा अच्छाई देती है, जो बुराई होती है वो हमेशा बुराई देती है। यहाँ पर मुझे इमाम अली की वो सेइंग याद आ गई है कि पानी या बारिश बरसती है तो वो हर किसी के ऊपर एक सी बरसती है। अगर किसी सांप के मुंह में चला जाए तो वो जो है वो जहर बन जाता है, और जब वही कतरा जो है वो सिप्पी के अंदर जाता है तो वो मोती बना देता है। तो ये अपना अपना ज़र्फ़ है कि आप किसी के साथ अच्छाई करें और वो आपके साथ क्या करें। हम देखते हैं कि फ़तेह मक्का के वक्त जिन लोगों को आसानियाँ दी गई, जो सोच भी नहीं सकते थे कि उनको माफ़ कर दिया जाएगा, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, जो अपने आप को हलाक समझ बैठे थे और वो ये जानते थे कि अब जो तलवार है उनके गर्दनों पे चलेगी, उसके लिए बिल्कुल तैयार थे। जब उनको भी माफ़ किया गया, जब उनको भी दरगुजर कर दिया गया तो वो हैरान और परेशान थे। मगर ये क्या था? ये किरदारे खातमुल अंबिया था, ये किरदारे महबूबे किबरिया था, ये किरदारे इमामुल अंबिया था कि हर किसी को माफ़ कर दिया गया। So another message that he taught to the world, to all the generations to come, was to forgive. जो दरगुजर है, जो माफ़ी है, वो किस कदर अहम है। और आप ये देखिए कि जिन लोगों को माफ़ किया गया, फिर उनके आगे नस्लों ने किस तरह से जुल्म और तशद्दुद किया आका की खानवादे के ऊपर, आका की आल के ऊपर, वो भी आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। सो माफ़ी दी गई, दरगुजर कर दिया गया, तमाम मामलात इस तरह से हुए। फ़तेह मक्का पर जिन लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि उनको दरगुजर किया जाएगा, उनमें पहला शख्स जो था वो वहशी, वो वहशी के जिससे यजीद की दादी ने कहा था, हिंदा ने कहा था कि हमज़ा का, जनाबी हमज़ा अलैहिस्सलाम का कलेजा मुझे निकाल कर दो। और फिर वो कलेजा निकाला गया और उसको चबाया गया। और यहाँ तक हमें रिवायात में मिलता है कि जनाबे हमज़ा का जो जिस्म मुबारक था, उनकी छोटी छोटी बोटियाँ करके यजीद की दादी ने अपने गले में हार बना के पहना था। कि आप सोचिए कि एक वहशीपन की एक इंतहा देखिए। आप सोच देखें कि एक शख्स जो शहीद हो गया है, उसकी जिस्म की बोटियों के साथ हार बना के पहना गया। आप उसकी सोचें कि वो क्या माइंड सेट, नेगेटिविटी की क्या इंतहा होगी। और कलेजा निकलवाया गया और उस कलेजे को खाया गया। और ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, जाहिर है किताबों में हमें ओपनली मिलता है, हमें नज़र आता है। हम जब मूवीज़ देखते हैं उसके अंदर दिखाया और बताया जाता है। सो ये इंतहा थी। जाहिर है अब जिस यजीद की दादी जो ये अमल करेगी, उसके आगे से औलाद से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मगर आप ये देखिए कि यजीद के दादे को भी और यजीद की दादी को भी आम माफ़ी मिली। और इस वक्त वहशी आका की बारगाह में आया, उसने कहा मैं जानता हूँ कि आप बहुत रहम करने वाले हैं, आप बहुत रहम दिल हैं। मैं दरख्वास्त लेकर आया हूँ, जो भी मैंने किया अपनी ज़िंदगी में वो ज़माने जहालत के दौर में किया, मैं अब आपसे माफ़ी तलब करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आका ने अपने दिल के ऊपर पता नहीं क्या सोच के, आप जानते हैं कि जनाब हमज़ा से किस कदर मोहब्बत थी आका को, किस कदर इश्क था। आपने कहा कि जाओ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम बस मेरी आँखों से और इस इलाके से, इस जगह से कहीं दूर चले जाओ। तो वो ही वॉज नॉट अलाउड टू स्टे बैक इन क्लोज बाय, और वो वहाँ से चला गया मगर उसको भी माफ़ी दे दी गई। सो ये कमालात हैं, ये हैं वो शख्सियात कि किस तरह से अपने दुश्मनों को और जिन्होंने उनके साथ इस कदर बुरा किया हुआ है, इस कदर बुरा किया हुआ है, उनको बख्श दे देते हैं। एथिक्स ऑफ पेशेंस, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। आज बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बट अगर आपने किसी की ज़िंदगी में देखना है तो आइए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखिए कि क्या सब्र की क्या इंतहा है कि जनाब बीबी ज़ैनब आलिया जो नवासी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सब कुछ लुटाने के बाद कहती हैं यजीद के दरबार में आके, वही यजीद के जिसके आबाओ अजदाद ने क्या कुछ किया, कि यजीद के दरबार में आके कहती हैं कि जब वो ये सवाल करता है कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो आगे से बीवी मुस्कुरा के कहती हैं, याद रखिए पूरा घर लुटा के मुस्कुराना कोई छोटी बात नहीं है। मुस्कुरा के कहती हैं, ए यजीद मैंने अपने अल्लाह के हुस्न और जमाल के अलावा और कुछ नहीं देखा। दिस इज़ व्हाट यू कॉल शुजाअत। इसको कहते हैं ब्रेवरी, कि एक दुश्मन के सामने एक खातून आके, जिससे उसकी हर चीज़ को लूट लिया गया है, आके क्या जुमले बयान करती है कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल द ब्रेवी। ईमान जो है ना, सब्र के बगैर नामुकम्मल है, और बल्कि अगर हम ये कहें कि ईमान सब्र के बगैर बिल्कुल ऐसा है जैसे एक जिस्म सर के बगैर है। सर के बगैर जिस्म चल ही नहीं सकता। आप ईमानदार हो ही नहीं सकते, आप ईमान वाले हो ही नहीं सकते जब तक आप में सब्र नहीं है। और जो सब्र साबरीन के सरदार हैं, वो भी कौन है? वो भी आइए आपको इसी खानवादे में मिलते हैं। जनाब सैयद शोहदा जो सैयद साबरीन हैं, किस तरीके से उन्होंने सब्र करके हमें दिखाया, और जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। वो सब्र जो आका में था, वो उसकी इंतहा दिखाई, उस सब्र को किस तरह से मैनिफेस्ट किया करबला के मैदान में। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए आका की ज़िंदगी में जो भी एट्रीब्यूट्स थे, जो भी सिफात थी, वो तो थी, लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि बड़े से बड़ा शख्स अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे जैसे भी गुजारे, मगर वो जाने से पहले अपनी ज़िंदगी में जो बड़े बड़े फ़ैसले हैं, यानी जो अपनी जो कुछ उसने कमाया है उसको किसी सेवियर, किसी सेफ हाथों के अंदर देकर जाए। तो आका की जायदाद, आका की विरासत क्या था? उनका इल्म, उनकी वो तबलीग, उनका वो पैगामी हक, यही विरसा था ना आका के पास, जो अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का पैगाम, यही सब कुछ था। तो ये कैसे हो सकता है कि जब बड़े से बड़ा इस दुनिया का लीडर जब सारी कमाई करके दूसरे जहान में जाता है, जो कि मुसलसल जहाँ पे रहना है, दायमी जगह पे जाता है, दुनिया को छोड़ के जाता है, तो बड़े से बड़ा लीडर भी जो है वो अपना सब कुछ हवाले करके जाता है किसी ना किसी को, अपने वसी को, अपने जानशीन को, एक ऐसे को जो उसका सक्सेसर हो। तो ये कैसे हो सकता है? आप सोचिए ये कैसे हो सकता है कि आका जैसी ज़ात जो मुकम्मल है, जो कामिल है, जो हर लिहाज से परफेक्ट है, परफेक्शन अगर देखनी है तो इधर देखनी है, जो अल्लाह का महबूब है, ये कैसे हो सकता है कि वो अपने पैगाम को किसी के हवाले ना करके गया हो? वो अपने पैगाम को, अपने विरसे को, जो उसकी कुल कमाई है, वो किसी महफूज हाथों में ना देके गया हो। अगर तो कोई ऐसा है इस दुनिया में जो ये समझता है कि आका ने ये नहीं किया होगा, तो मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी बेहुरमती है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता हमारे ईमान के मुताबिक कि आका की ज़ात ने अपनी उस कमाई को किसी और के हवाले ना किया हो जो उसकी हिफाजत कर सके, जो उस इल्म को समझता हो, जो साहिब किताब हो, साहिब इल्म हो, जो वो तमाम खुसूसियात का मालिक हो जो आका में हैं। और वो पैगाम हमें मिलता है हिज्जतुल विदा के मौका पर, आका के आखिरी अयाम में, जब आका ने खुम्मे गदीर के मैदान में तमाम ऊँटों की पालानों को इकट्ठा करके स्टेज बनाया। उस स्टेज के ऊपर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को खड़ा किया। जनाब अली इब्ने अबी तालिब को ना सिर्फ खड़ा किया बल्कि उनका हाथ बुलंद करके कहा, मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला। एक मरतबा नहीं, 3 मरतबा तकरार की, मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला। और दुनिया को बताया, तमाम लोगों ने मुबारकबादें दी, तमाम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, तमाम लोगों ने आके इस बात का इकरार किया। और एक शख्स था जिसने इस बात का इकरार न किया और उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बुरे तरीके से, बुरे अंदाज में, कि ये जो हुक्म है क्या ये अल्लाह की तरफ से है या ये आपकी ख्वाहिश है? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी ज़बान से कुछ नहीं निकलता सिवाय इसके कि जो मेरा रब इरशाद फरमाता है। तो वो कहने लगा कि अगर तो ये वाकई अल्लाह का हुक्म है तो मुझ पर आज़ाब आ जाए। और देखते ही देखते वहाँ पर 1.25 लाख लोगों ने वहाँ पर इस चीज़ को विटनेस किया कि उस शख्स के ऊपर आज़ाब आया और वो वहाँ पर वासिले जहन्नुम हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि विलायत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस कदर ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर मोहर लगती है, इस बात के ऊपर, इस पैगाम के ऊपर, आपके ईमान के ऊपर मोहर लगती है कि क्या आप अपने कलमे को पूरा करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक तो बहुत पहुँच जाते हैं, बट क्या वो जो मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला जो आखिरी पैगाम था, क्या उसको मुकम्मल करते हैं? क्या उससे आगे चलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली उन वलीउल्लाह वसीउर रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल? ये है विलायत अली इब्ने अबी तालिब का ऐलान जो खुम्मे गदीर में किया गया। मकामी गदीर पर यह पैगाम दिया गया और ये पैगाम दे के आका सुरखरू हुए अल्लाह की नज़र में, क्योंकि अल्लाह का पैगाम था कि ए नबी, अगर ये नहीं किया तो समझो कि रिसालत का कुछ भी काम नहीं किया। आका ने अपने तमाम काम सरअंजाम दिए, मुस्कुराते हुए मदीना पहुँचे, मुस्कुराते रहे, हर किसी में मुस्कुराहटें बाँटी। हत्ता कि एक वो वक्त भी आया कि जब जनाब बीवी फातिमा-तुज़्ज़हरा बिल्कुल अपने वालिद के आखिरी लम्हात में उनके पास आईं तो एक मर्तबा रो दी, उनके आँखों में आंसू आ गए और दूसरे ही लम्हे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जब मौलाए कायनात ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि ए बीबी, आप पहले रो दी, आपकी आंखों में आंसू आ गए और बाद में आप मुस्कुराने लगी, इसकी क्या मसलहत थी, मुझे ज़रूर बताइए। तो बीबी इरशाद फरमाती हैं कि ए मेरे सरताज, मेरे वालिद ने मुझे ये ख़बर दी कि अब बहुत कम वक्त है ए बेटी मेरे पास, बहुत जल्द मैं इस फ़ानी दुनिया से दायमी दुनिया का सफ़र करूँगा, मैं अपने खालिक हकीकी के पास पहुँच जाऊँगा। तो मैंने रो दिया कि मैं अपने वालिद गरामी के बग़ैर किस तरह से वक्त गुजारूँगी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, जब मैं रोने लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि ए बेटी तू ना रो, क्योंकि तू वो पहली शख्स होगी, मेरे ख़ानदान की वो पहली फ़र्द होगी जो मुझसे आकर मिलेगी। तो वो लम्हा था कि जब मैंने मुस्कुरा दिया। और इसी तरह से आकाए दो जहान बहुत सी मुशक्क़तें, सोहबतें, मुश्किलें अपनी ज़िंदगी में सहकर इस जहान फ़ानी से उस दायम जहान की तरफ गए, अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। और ये बात मुझे यूँ लग रहा है जैसे नामुनासिब सी है कि मैं ये कहूँ कि अपने खालिक की हकीकी से जा मिले, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा लम्हा था ही नहीं जब उनके खालिक ने, जब उनके मालिक ने, जब उनके रब ने, जब उनके उस हस्ती ने जिनको उनसे इश्क था, उनको कभी एक लम्हे के लिए भी अकेले छोड़ा हो। सो ही इज़ द मैन ऑफ विजडम, ही वॉज द मैन हु ब्रॉट स्माइल on the face of humanity from the beginning till the end. आका की ज़ात रहमतों वाली ज़ात है, रहमतुल्लिल आलमीन है, दो जहानों के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमत है। अब सवाल ये है कि आका की ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद क्या हम दुनिया वालों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बहैसियत उम्मती रहमत का बायस बनना चाहते हैं, या हमारा वजूद लोगों को ज़हमतें दे? अगर तो हम वाकई उनके मानने वाले हैं, तो आइए आज फैसला करेंगे कि ए अल्लाह, तुझे उस रहमत दो आलम का वास्ता, ए अल्लाह तुझे रहमतुल्लिल आलमीन का वास्ता, तुझे अपने महबूब का वास्ता, तू हमें भी लोगों के लिए रहमत का बायस बना दे। हमारे वजूद से हर इंसान की ज़िंदगी में रहमत, राहत, सुकून, आसानियाँ और बस मुस्कुराहटें आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।